अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं बनाने लगी हूँ भिंडी का सालन, मतलब भिंडी गोश्त, जिसमें गोश्त भी होगा। मैंने पहले से प्याज जो है ऑयल डाल के, चम्मच प्याज और ऑयल डाल के और एक बड़ा प्याज लेकर ब्राउन कर लिए, और अब मैंने इसमें एक चम्मच ज़ीरा डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा चलाएँगे, थोड़ा सा ज़ीरा भी ब्राउन हो जाए। फिर इसमें मैंने जो है ना 3 टमाटर काट के डाले थे, छोटे साइज़ के थे। अगर आप लोग बड़े हो तो 2 ले लेंगे, मेरे छोटे थे तो मैंने 3 ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो टमाटर और प्याज खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है, ये नज़र आना बंद हो जाए। मतलब इसको डाल के हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये अब भूनना शुरू हो गया लो मीडियम आँच पर। कुकर में मैं इसको बना रही हूँ। बकरे का मैंने गोश्त लिया है, उसके अंदर डाल के उसके ज़रिए मैं बनाऊँगी। अब मैंने इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच हल्दी भर के, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी और, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये जो प्याज और टमाटर जो खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है, ये इतना नज़र ना आए। मतलब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मिक्स हो गया, जैसे ब्लेंडर में मिक्स करते हैं। बस जब प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं तो उसका हल यही होता है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करें। ये मैंने डाल दिया जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये कम अज़ कम 1-1 चम्मच तो होगा दोनों, क्योंकि ज़रा अच्छा लगता है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मेरी आदत है। तो इसको खूब पकाएंगे। अब देखें इसमें से, ये मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए पानी डाल डाल के भुना है। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कम हो गया, मतलब प्याज तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, टमाटर अब भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, वो जब पकेगा तो ये सही हो जाएगा। इसमें से ऑयल भी देखें रिलीज़ होना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने 1 चम्मच लाल पीसी मिर्च का पाउडर डाला है, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कुटा चाय का 1 कुटा जो चम्मच में डाली लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी फिर ऐड करूँगी ताकि मसाला जले नहीं। पानी आप पे थोड़ा थोड़ा हर दफ़ा ऐड करना ताकि भुनने का प्रोसेस है वो चलता रहे। अब इसमें 3 चम्मच जा रहे हैं जी पिसे हुए धनिए के, ताकि सालन सा रोगन सा बन सके। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी, इसको मैं फिर भूनूँगी मसाले को अच्छे तरीके से। सारा प्रोसेस भुनने का ही है, मतलब इसमें जो मसाला भुनेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब जो है इसमें मैं डालने लगी हूँ जनाब गोश्त। ये मैंने 1/2 किलो के करीब गोश्त धो के रख लिया था बकरे का, आप चाहें तो बड़े के गोश्त का भी बना सकते हैं। ये जी मैंने 1/2 किलो गोश्त जो था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब गोश्त को लेकर भुनना है, मतलब मैंने इसमें देखें मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया, अभी आपने नमक नहीं मिलाना, आखिरी स्टेज पर मिलाना है, वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा और मैं भूनूँगी गोश्त को डाल के अच्छे तरीके से, ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह जो है वो दूर हो जाए। और मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ से किस मुल्क से किस शहर से देख रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिसमें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अभी गोश्त को भी भूनना था इसको, और मैं गोश्त को भून रही हूँ उसके साथ, ताकि ये भी तरह इसकी स्मेल वगैरह जो होती है, सारा प्रोसेस ही जो होता है भूनने का होता है। और उसके बाद जो है मैंने इसको काफ़ी देखें 15 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे मैंने भूना, लो मीडियम आंच पे, और ऑयल भी निकला है। अब मैं इसमें पानी डालूँ ताकि गोश्त गल सके। इसमें मैंने जी कम से कम 4 या 5 गिलास पानी डाला है कुकर का, कुकर में बना रही हूँ ताकि अब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। पानी ये सारा कम हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लेंगा कि ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गोश्त को गलाना है मुझे, और थोड़ा मसालन सा भी रखना है, सालन भी सालन जैसे ही होना चाहिए, भुना हुआ नहीं होना चाहिए। ये मैंने डाल दिए 4 या 5 गिलास का पानी अच्छे तरीके से साइडों से सारा। अब जी कुकर को जो है मैं ढकना लगाऊंगी और इसकी सीटी रखूंगी, तो कम से कम मैं इसको 1/2 घंटे के लिए, मतलब जब से टाइम, मतलब इसकी आवाज़ आना शुरू हुई उसके बाद से मैं इसका टाइम नोट करूंगी। अब ये देखें जी मैंने इसको खोल लिया, अब मैं इसमें भिंडी ऊपर से काट के मैंने डाल दिया। आप देख सकते हैं सालन कम हो गया और काफ़ी रोगन भी आ गया इसके ऊपर, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। और आपको पता है भिंडी तो हवा में गलती है, मतलब भिंडी को हमने इतना टाइम ही देना वरना उसमें लेस छोड़ देना। मैंने इसको पर इसको बंद नहीं करना ना सीटी लगानी, बस कवर करना और इसको हल्की लो मीडियम आँच पर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना। इस दौरान जो भिंडी गल जाएगी, गोश्त ऑलरेडी गल चुका है, और जो है 15-20 मिनट के बाद जो है मैं इसको देख लूँगी इसका प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। ये देखें ऑयल भी ऊपर है और ये तैयार हो गई, भिंडी भी गल चुकी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच नमक डाल दिया, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें, और जो पानी हमने डाला था
वो भी कम हो गया, मतलब ये अच्छा बन गया, ना बहुत ज़्यादा पानी बस नॉर्मल पानी। चाहे तो आप इस स्टेज पर और भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है। ऊपर से मैंने गरम मसाला का एक चम्मच डाला, और आई होप कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा, आपने ट्राई किया। बाय बाय, सी यू सून।